नमस्ते दोस्तों, ईपीएफ अकाउंट का पासबुक ऑनलाइन पे कैसे डाउनलोड करना अभी मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ। सबसे पहले गूगल सर्च में यूएएन बोल के टाइप करना और फिर नीचे यूएएन लॉगिन पे जाना। यूएएन ईपीएफ का लिंक आएगा, लिंक के ऊपर क्लिक करना। अभी स्क्रीन पे देख लीजिए, लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद राइट साइड में यूएएन नंबर और पासवर्ड दो ऑप्शन आएगा। पहले यूएएन नंबर टाइप करना। उसके बाद यूएएन अकाउंट का नंबर का क्या पासवर्ड दिया वो पासवर्ड टाइप करना। पासवर्ड टाइप करने के बाद पांच संख्या का कैप्चा है वो सर्च बॉक्स में वो कैप्चा देख के टाइप करना। स्मॉल लेटर है तो स्मॉल, कैपिटल लेटर है तो कैपिटल लेटर। अच्छे से टाइप करने के बाद साइन इन करना। साइन इन होने के बाद अपना प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। अपना प्रोफाइल ओपन होने के बाद देख लीजिए, अभी पासबुक में जाना बोले तो लेफ्ट साइड में देख लीजिए व्यू, सेकंड में व्यू बोल के देखेगा अपन को। व्यू क्लिक किया तो पासबुक बोल के आएगा फोर्थ लाइन पे। पासबुक में क्लिक करना। अभी पासबुक में क्लिक करने के बाद अगेन अपना यूएएन नंबर पासवर्ड पूछेगा। यूएएन नंबर देना था, यूएएन नंबर टाइप करना। यूएएन नंबर टाइप करने के बाद दोबारा पासवर्ड देना था। पासवर्ड देने के बाद देख लीजिए नीचे एक छोटा सा दिया, क्वेश्चन दिया 40+7 कितना है 47। 47 करके लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद अपन को एक ऑप्शन आएगा, प्लीज सेलेक्ट एटलीस्ट वन यूजर आईडी। अपना पीएफ अकाउंट का यूजर आईडी सेलेक्ट करना। इधर देख लीजिए व्यू पासबुक, इधर तो व्यू पासबुक में क्लिक किया तो पासबुक दिखेगा। डाउनलोड पासबुक, डाउनलोड पासबुक में क्लिक किया तो पासबुक डाउनलोड हो जाता। अभी डाउनलोड पासबुक में क्लिक कर रहा हूँ। डाउनलोड देख लीजिए लेफ्ट साइड नीचे कॉर्नर में अपना ईपीएफ का पासबुक डाउनलोड हो गया। अभी ईपीएफ पासबुक डाउनलोड में क्या क्या मिलेगा अपन को, पर्सन का अकाउंट नंबर, पीएफ का अकाउंट नंबर, पर्सन का नाम और जो ऑफिस है पीएफ ऑफिस, यूएएन नंबर और एम्प्लॉय का कितना कट हो गया अभी तक। एम्प्लॉय शेयर में देख लीजिए और नीचे देख लीजिए एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर शेयर। एम्प्लॉयर बोला तो अपना कंपनी का एचआर हर महीना कट करते रहते हैं, वो अमाउंट टोटल कितना हो गया अपन को क्लियरली दिखाएगा। और नीचे आइए ये लास्ट में पेंशन अमाउंट है, और पेंशन अमाउंट 10 ईयर्स कंप्लीट किया तो सर्विस पेंशन में आएगा, 10 ईयर्स का अंदर रिजन किया तो अपन अप्लाई किया तो आ जाता पैसा। इधर देख लीजिए ये फर्स्ट काल में, ये तो एम्प्लॉय से एम्प्लॉय को हर महीने कट होते ये टोटल अमाउंट है। सेकंड लाइन सेकंड कॉलम पे एम्प्लॉयर शेयर, अपना एडमिन एचआर टीम हर महीना अपना जो पैसे कटा रहा है उसको थोड़ा बहुत पैसे ऐड करते हैं, वो अमाउंट है सेकंड कॉलम है। और फर्स्ट सेकंड कॉलम में अमाउंट दोनों मिलके अपन अप्लाई कर सकते, थोड़ा बहुत एडवांस आना बोले तो रीजन बता के, हाउस कंस्ट्रक्शन जो भी, अपना हेल्थ तबीयत ठीक नहीं है और जो भी रीजन मेंशन करके उससे अपना अमाउंट अकाउंट में जो अमाउंट है उससे थोड़ा बहुत अप्लाई कर सकते हैं एडवांस अमाउंट। देख लिया ना दोस्तों, यूएएन पोर्टल थ्रू
एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पासबुक बहुत ईजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अपना अमाउंट हर महीना अपना अकाउंट में आ रहा नहीं आ रहा देख सकते, अगर नहीं आए तो कंसर्न एचआर डिपार्टमेंट को पूछ सकते। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद लगा है प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।